अस्सलाम वालेकुम, आप लोग कैसे हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल आया था, बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा था कि भाई हम किस तरह से चेक कर सकते हैं ऑनलाइन कि हमारा सैलरी है वो कितना है, क्योंकि कभी कभी कंपनी ज्यादा सैलरी देती है वर्कर को वो अपने हिसाब से, लेकिन उसके कॉन्ट्रैक्ट पेपर में सैलरी कम लिखा होता है। तो ऐसा क्यों होता है, मैं आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। आप लोग वहां पे जाकर आसानी से चेक कर सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पेपर में मेरा सैलरी कितना लिखा हुआ है, और आप लोग आने वाले टाइम में जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे नया वाला, तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखें कि वहां पे सैलरी अपना बदवा ले, बेसिक सैलरी होता है, उसके बाद ही आप लोग वहां पे साइन करें। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल आता रहता है कि भाई मेरा सैलरी तो 2000 है, 1500 है, 1200 है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे 800 लिखा हुआ है, 700 लिखा हुआ है या 900 लिखा हुआ है, ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे सैलरी कम क्यों लिखा रहता है, ये राज की बात है, बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। कंपनी वाले अपने फायदे के लिए कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे कम सैलरी लिखता है। तो ऐसा क्यों करता है, आप लोग सवाल करेंगे कि मेरे को तो सैलरी 1500-2000 मिलता है तो उसको क्या फायदा है, यानी हमको तो सैलरी कम नहीं मिल रहा है, हमको ज्यादा मिल रहा है तो उसको क्या फायदा है। अगर आप लोग किसी कंपनी में काम किए 5 साल से ऊपर, उसके बाद अगर आप लोग फाइनल एग्जिट गए 8 साल के बाद या 10 साल के बाद, तो कंपनी को हिसाब देना पड़ता है। अगर आप लोग किसी कंपनी में 10 साल काम किए तो पहले वाला जो 5 साल है उसका आपको आधा आधा सैलरी दिया जाएगा जोड़कर, जब हिसाब आप लेंगे पूरा फाइनल तो आधा आधा सैलरी जोड़कर दिया जाएगा, लेकिन जो 5 साल आखिरी वाला है उसका फुल सैलरी आपको दिया जाएगा, क्योंकि ये कानून है। अगर आप लोग किसी कंपनी में काम करते हैं वो हिसाब नहीं देते, अगर आप लोग फाइनल एग्जिट जाते हैं तो उसके ऊपर केस करके आप लोग पूरा हिसाब ले सकते हैं, ये अधिकार है। जैसे कि बहुत सारे लोग सऊदी अरबिया से जाते हैं या किसी और देश से जाते हैं, अगर 10 साल 20 साल के बाद जाते हैं तो कंपनी की तरफ से बहुत ज्यादा उसको बोनस दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, तो वही हिसाब होता है। तो ये जितने भी कंपनी वाले हैं इसी वजह से एग्रीमेंट पे सैलरी कम लिखते हैं, ताकि कोई भी इंसान बाद में हमारे पर केस करे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एग्रीमेंट पे कम लिखा हुआ है, उसी हिसाब से उसको जोड़कर दे देंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से चेक कर सकते हैं कि हमारा सैलरी कितना है। एक एप्लीकेशन के जरिए वहां पे सैलरी देता है या नहीं देता है कंपनी, पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा, कितना दिन का रोका है, कितना दिन का दिया है, पूरा डिटेल आप लोग चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो मैं हमेशा आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ फेस टू फेस। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे प्ले स्टोर पे क्लिक करें, प्ले स्टोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्च में लिखना है गोसी सऊदी या तमिलनाडु, लिखेंगे फिर भी आ जाएगा, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं ये एप्लीकेशन है, इसको ओपन करना है, यानी मैं इसको डाउनलोड कर लिया हूँ तो ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप लोग इसको आसानी से लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप लोग पहले से अकाउंट बनाए तो अपना अकाउंट नंबर नीचे पासवर्ड डालकर लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपको नया अकाउंट बनाना तो यहाँ पे क्लिक करना है, लेकिन ये अरबी में आएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। इससे पहले मैं वीडियो बनाया था किस तरह से गूगल पे जाके इंग्लिश में अरबी में अकाउंट बना सकते हैं, तो वो वीडियो जरूर देखें, इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, आखिरी में वो वीडियो आएगा, वहाँ पे क्लिक करके वीडियो देख सके किस तरह से यहाँ पे अकाउंट बनाया जाता है। अगर आप लोगों का अकाउंट पहले से, क्योंकि मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है, तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई एप्लीकेशन के बारे में बताओ, तो यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर नीचे पासवर्ड डालें, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करें। तो यहाँ पे अकाउंट नंबर पासवर्ड डालकर यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पे एक कोड आएगा, तो कोड को यहाँ पे डालना है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप लोगों के सामने पूरा डिटेल दिखाएगा कि आपका सैलरी कितना है। उसके बाद अगर आपको यहाँ से भाषा चेंज करना है तो आप भाषा चेंज कर सकते हैं, पहले नहीं चेंज कर सकते थे, लेकिन लॉगिन होने के बाद आप लोग यहाँ से भाषा चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करते हैं, सेटिंग पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अरबी लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इंग्लिश पे क्लिक कर देंगे तो ये हो चुका है। तो चलिए वापस चलते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों के सामने फिर से इंग्लिश में आ चुका है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को चेक करना है कि मेरा सैलरी कितना है तो यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूरा डिटेल चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिक सैलरी 800 रियाल ही दिखाई दे रहा है, ओवर टाइम का भी यहाँ पे कोई भी सिस्टम नहीं, ओवर टाइम का भी पैसा यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए कि मेरा सैलरी कम तो नहीं है, आने वाले टाइम में आप लोग इस पर ध्यान दें, नहीं तो आप लोग पछताएंगे। अगर आप लोगों को कस्टमर केयर से बात करना है तो यहाँ पे कॉल पे क्लिक करके यहाँ से आप लोग उसका नंबर निकाल सकते हैं, ये टोल फ्री नंबर है, आप लोग फ्री में बात कर सकते हैं, कोई भी सवाल हो तो आप लोग इससे पूछ सकते हैं, आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए फिर से वापस आते हैं होम बटन पे। अगर आपको ये जानना है कि मैं इस कंपनी में कितने दिन से काम करता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने लिस्ट आ जाएगा 2016 से 2021 तक का मेरे पास ये लिस्ट है, इतना दिन पहले मैं आया था और इतना दिन हो चुका है। अगर आपको पता करना है कि कंपनी सैलरी देती है या नहीं देती है तो यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं 2016 से लेकर 2021 तक का जो लिस्ट है आ चुका है, पूरा डिटेल नहीं है लेकिन कुछ महीनों का यहाँ पे दिखाई देता है। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं कि क्या क्या मामला है और कितना सैलरी कितना टाइम में दिया है, ये भी तारीख दिन के हिसाब से चेक कर सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा डिटेल मिल गया इस वीडियो में, क्योंकि इससे पहले वीडियो बनाया था गूगल पे जाकर किस तरह से इस पे अकाउंट बना सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि भाई इस एप्लीकेशन के बारे में बताओ। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।